प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि संदेश खाली मामले के ऊपर भारत के मशहूर पत्रकार और एक्सपर्ट जो जबरदस्त नॉलेज रखते हैं हरिमोहन जी, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजे इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू। और ये दोनों बात करेंगे संदेश खाली से लेके ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अब तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि एनएसजी ने इतना बड़ा सीज किया, एनएसजी ने इतने बड़े जो छुपे हुए राज थे उसको सामने ला करके रखा है, और ममता बनर्जी धड़ल्ले से चली गई इलेक्शन कमीशन और उन्होंने वहां पर कंप्लेन भी कर डाला। क्या 11 अप्रैल 2024 में ईद के दिन ईद की नमाज के मंच पर खड़े होकर के ममता बनर्जी ने जब यूसीसी का विरोध किया, तब इलेक्शन कमीशन को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 है। कौन ऐसा न्यायपालिका है या कौन ऐसा सर्वोच्च न्यायपालिका है जो आर्टिकल 44 को बातिल करेगा, जो आर्टिकल 44 को हटाने की कोशिश करेगा, जो कॉमन लॉ जो अंबेडकर जी का लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 44, उसके खिलाफ अपील या पिटीशन कौन ऐसा न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका है जो लेगा, जो अप्रूव करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा स्क्रूटनी में और उसको उस पिटीशन को नंबर देगा एसएलपी को? तो मुझे लगता है कि तब भी इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए था। और जिस तरह से रामनवमी को उन्होंने एक भगदड़ और एक आतंकी माहौल बनाने की कोशिश की, क्या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल जरूरत थी। और क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के नेता है वो क्यों नहीं 1000 चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं? वो क्यों नहीं 1000 कंप्लेन और पिटीशन सर्वोच्च न्यायपालिका में डाल रहे हैं? क्या मुकुल रॉय जैसा फिर से कोई तृणमूल कांग्रेस का जासूस क्या भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में फिर से आकर बैठ गया है, जो दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रहा है पर भीतर भीतर काम तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए कर रहा है? देखिए 2021 में मैं तो ग्राउंड पर थी, मैं आज बैठ गई हूँ कैमरा के सामने सुबह से लेकर रात तक, लेकिन 2019 और 2021 में ग्राउंड पर थी। मैंने जितनी मीटिंग मिचल की है, मैंने जितना स्पीचेस पब्लिक गैदरिंग में दिए, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी ने नहीं दिया होगा। अगर उठा करके मेरे सोशल मीडिया को देखा जाए, जितना मैं ग्राम ग्राम घूमी हूं, मुझे लगता है कोई महिला नेत्री इतना नहीं घूमी होगी। और मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह रही हूं कि पश्चिम बंगाल का एक एक नुक्का मुझे पता है, एक एक ग्राम, एक एक डिस्ट्रिक्ट मुझे पता है। 2021 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही थी। ऐसा क्या हुआ कि 80 से 85 सीटों पर रुक गई? और ऐसा क्यों हुआ कि मुकुल रॉय के नेतृत्व में ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया जो वाकई में हारने वाले थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं थे? क्या अब भी ऐसा कोई जासूस पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है और जो जानबूझ करके अपने हाथ में बागडोर लेकर के रखा है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फल्ले फूलने ना दे पश्चिम बंगाल में? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को यह बात पता नहीं है कि तोपसी और कस्बा में भी खान बाबा बैठे हैं, जहां पर ऐसे षड्यंत्र और ऐसी साजिशें और ऐसे बम और असला और बारूद बहुत है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता को पता नहीं है कि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा तोलाबाजी और इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता को यह बात पता नहीं है कि मुर्शिदा और मालदा में कितने रोहिंग्या और घुसपैठिया और बांग्लादेशी है? क्या पश्चिम बंगाल की जनता को यह बात पता नहीं है कि उलबेरिया और हावड़ा ग्रामीण में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया है? सबको पता है, सब जानता है, डेटा पता है सबको कि ऑन रिकॉर्ड 28% मुसलमान यहां पर है, पर साइलेंट 18% के बारे में क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के बात नहीं कर रहे हैं? जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, सीरिया है, क्यों नहीं कोई मुंह खोल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में ही एक पाकिस्तानी और लाहौरी और पेशावरी नेता है जो मंत्री बनकर के बैठा हुआ है? ये एनएसजी, ये एनआईए, ये सीबीआई, ये ईडी कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंटर क्यों नहीं कर रही है? ये एनआईए की टीम सारे तोलाबाजों को पकड़ने के लिए और इलीगल कंस्ट्रक्शन का माफिया को अरेस्ट करने के लिए क्यों नहीं तोपसिया जा रही है? क्यों नहीं तोपसिया जा रही है? अरे माफिया वहां बैठा है। आज आपने शेख शाहजहां को पकड़ करके आप बहुत खुश हो रहे हैं। शेख शाहजहां जैसे
अभी बहुत सारे हैं पश्चिम बंगाल में बैठे हुए, उसको कब पकड़ेंगे आप? अरे जनता रो रही है, कलप रही है, मर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर से भागे हुए हैं 2019 से, आज तक घर के अंदर भीतर नहीं जा पा रहे हैं। यही तृणमूल कांग्रेस का एमएलए 18 दिन पहले खड़े होकर के कह रहा है कि 2 महीना सेंट्रल फोर्स रहेगी, उसके बाद क्या? जिस उंगली से वोट दोगे भारतीय जनता पार्टी को, वो उंगली काटी जाएगी। ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है और खामोशी से बैठे हुए। अरे भाई, बलून लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बलून लेकर के मीटिंग और मिचल कर रहे हैं, उससे नेता नहीं कहलाएंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को अगर महफूज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिफाजत नहीं दे पा रहे हैं, लीगल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, और ये जितने भी शेख शाहजहां जैसे आतंकवादी, जंगजू, जिहादी, बलात्कारी घूम रहे हैं, उसको पकड़वाना आपका कर्तव्य है। आप क्यों नहीं पकड़वा रहे हैं? क्या बात है? बिहाइंड द कर्टन क्या है? क्या नहीं पता कि कस्बा में क्या हो रहा है? क्या नहीं पता कि तोपसिया में क्या हो रहा है? क्या नहीं पता मुर्शिदाबाद मालदा में क्या हो रहा है? क्या नहीं पता कि पूरे बशीरहाट में कितने कितने बांग्लादेशी बैठे हुए हैं? तो आप इसको कब सामने लेकर के आएंगे? वो तो संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन पर उतर करके बताया, वो तो संदेश खाली की महिलाओं ने अपने अपनी सुरक्षा के लिए खुद आवाज उठाई, तब जा करके पूरी दुनिया को, देश को पता चला कि भाई कश्मीर की तरह यहां पर भी हिंदू मां बहनों का नरसंहार हो रहा है। अगर वो नहीं निकलती तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में तो सो रही थी। आप तो बलून फुग्गा लेकर के ही आप तो मीटिंग और मिचिल कर करके खुश हो रहे थे, ए बलून बलून कर रहे थे आप। अरे कितनी टीआरपी चाहिए? टीआरपी लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए आपने क्या स्टेप लिया है? आपने इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए क्या स्टेप लिया, उसके बारे में कौन बात करेगा? आज संदेश खाली का शेख शाहजहां होता है और दूसरे सुबह तृणमूल कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी को अपॉइंट करता है और उसके लिए संज्ञान लिया जाता है। आज जब एनएसजी ने इतना बड़ा सीज किया, आप लोग जब ममता बैनर्जी को चोट लगी और वो न्यूज को डाइवर्ट करने गई, अभिषेक बैनर्जी ने इतनी अभद्र टिप्पणियां और इतना मलाइंग एनएसजी को किया, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग गए सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल सही। देखिए हरी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हर वो जासूस और चमचा जो पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी में दीदी का बैठा हुआ है, उसको उखाड़ करके फेंकने का कर्तव्य अब सनातनियों पर है, अब हिंदुओं पर। हिंदू स्टैलिन भी है, खुद को ब्राह्मण हिंदू राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा भी बोलते हैं, खुद को ब्राह्मण ममता बैनर्जी भी बोलती है, खुद को हिंदू अखिलेश यादव भी और डिंपल यादव भी बोलती है, लेकिन कब इन्होंने काम किया हिंदुओं के हित में? कब? तो अगर ऐसा कोई हिंदू भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बैठ करके बलून का रैली करके ये बताना चाह रहा है कि वो बहुत बड़ा नेता है, तो उसका हिजाब खोलने के लिए मैं तो आगे बढ़ी हूं, लेकिन मेरे साथ साथ आप जैसी आवाज, आप जैसे वोकल प्लेटफॉर्म के साथ साथ देश के सनातनियों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरा दावा है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रही हूं कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ जाती, लेकिन नहीं आ पाई, क्योंकि दीदी का चमचा, दीदी का घुसपैठिया और दीदी का जासूस भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नेता बनकर के बैठ गया था। आवाज नहीं आ रही आपकी दीदी, ये काफी बड़े आरोप है और इतना मैं जानता हूं अच्छे तरीके से कि राजनीति में कई बार क्या होता है, धोखा देने का ड्रामा करके सामने वाले को निपटाना होता है। भाई आज आप दुश्मन के अपने के साथ धोखा करके अगर दुश्मन के पाले में जाके बैठ जाते हैं तो हो सकता है, जरूरी नहीं है विभीषण ही हो, कई बार आस्तीन का सांप भी बन के बैठ जाते हैं और आपकी जिसकी लॉयलिटी मन में है उसको बचाए रखना चाहते हैं। यानी आप अपोनेंट के बगल में बैठ के जो पुराने वाला आपका साथी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कैसे भी करके, और पॉसिबली यही एक बड़ा कारण होता है कि बहुत सारे मामलों में बनी बनाई सरकारें, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बनी बनाई सरकारें जो है वो खत्म भी हो जाती है, फिर नहीं बन पाती, क्योंकि जिसको आपने लिया शायद वही एक गलत डायमेंशन में है या फिर गलत उसकी लॉयलिटी गलत डायरेक्शन में है।
और मेरे हिसाब से आप जिस तरीके जिस तरफ इशारा करना चाहती हैं, हम उसका नाम ना ही लें अभी तो, बट बेहतर है क्यों बवाल क्रिएट किया जाए। लेकिन हाँ, जो समझ रहा होगा मेरे हिसाब से वो समझ रहा मैं अभी होगा। तो नाम नहीं ले रही हूँ, अभी तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर सबूतों के आधार पर 4 जून के बाद तो मैं जरूर नंगा करूंगी, जरूर इतनी हिम्मत में रखती हूँ। और नाजिया इलाही खान किसी के कंधे पर चढ़ करके ब्रांड नहीं बनी है, अपने दम नाजिया पे इलाही बनी है। खान का नाम किसी ने बना करके नहीं दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से और मैं भारत के प्रधानमंत्री से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं उनको कभी मनुष्य मानी ही नहीं हूं, मोदी जी को मैंने हमेशा उनको अवतार माना है। और उनको सामने रख करके अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का बुरा करता है तो ये पार्टी के एक छोटे से ही कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि इस बात को फैलाया जाए और इस बात को सोचने पर मजबूर किया जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ ममता बनर्जी पे हमला बोला बल्कि टीएमसी नेताओं की भी पोल खोल के रख दी। और आपने देखा, जब से टीएमसी के नेताओं के घर पे बड़ी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है तब से ममता बनर्जी परेशान है, वो उनके गले की हड्डी बन चुके हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।